हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। तो आज का हमारा टॉपिक है मेदु रोग का। इसमें स्थौल्य आएगा, ठीक है, स्थौल्य हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्थौल्य बेसिकली आपसे 4 मार्क्स में मैक्सिमम पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। तो इसमें क्या है, आधुनिक जीवन शैली जन्य व्याधियों में मेदु रोग, आपको पता है ओबेसिटी आज के टाइम पे एक कॉमन डिसीज है, ठीक है, जिससे उच्च ऊर्जा जनित पदार्थों का सेवन कर लेते हैं। मतलब हम खा तो इतना लेते हैं एनर्जी वाली चीजें, और व्यायाम करते नहीं है, और दिन में सोते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मोटापा आ जाता है, ठीक है जी। यही इन्होंने बताई। अब आते हैं इसका निदान। निदान क्या है, निदान तो आप जितने चाहो उतने लिख सकते हो। कफवर्धक आहार का सेवन, दिन में सो जाना, व्यायाम ना करना, ठीक है, ज्यादा भोजन अति भोजन करना, मैथुन न करना, हमेशा खुश रहना, अध्यसन करना, चिंता वगैरह ना करना, ठीक है, या फिर कोई जेनेटिक हो सकता है, या फिर जो कोई मद का अति सेवन करता है तो उसकी वजह से हो सकता है। अब इसकी संप्राप्ति क्या है, देखो इसमें संप्राप्ति घटक आपको दिया हुआ है। तो इन्होंने बताया कि जैसे ही हम निदानों का सेवन करते हैं तो इसमें तीन चीजें बताई, तीन फंडे हैं। एक तो खाने की वजह से मोटा हो सकता है, एक आएगा एक्सरसाइज ना करने की वजह से, और तीसरा आता है जेनेटिक। जो अगर हम खाने की बात करते हैं, जब हम ज्यादा मधुर अन्न का सेवन कर लेते हैं तो ऊर्जा ज्यादा होती है उसके अंदर, और जिसकी वजह से क्या होगा, मेद बढ़ेगा। मेद बढ़ेगा तो क्या होगा, मेद धातु अग्नि क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी, यूज हम नहीं कर रहे हैं, तो आम उत्पत्ति हो जाएगी। आम होगा तो क्या हो जाएगा, श्रोतस में अवरोध, जिससे क्या हो जाएगा, मेद धातु की वृद्धि। श्रोतस मही रुक गया, मेद धातु बढ़ गई, और धातु का क्या हो जाएगा, क्षय हो जाता है और कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, ठीक है। ये इतना कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसकी संप्राप्ति, तो बाय द वे कोई पूछेगा भी। दोष क्या है, इसके तीनों दोष, लेकिन कफ और वात प्रधान रहते हैं। दूषित इसमें रस मेद श्लेष्म आता है, ठीक है। अग्नि क्या आएगी, जठराग्नि बढ़ेगी, धातु अग्नि भी मंद हो जाती है। आम इसमें मेदो धातु अग्नि जनित आम रहता है। श्रोतस मास मेद और रस वह है, श्रोतदुष्टि संग, और मेद क्या आएगा, मेदो रोग स्थौल्य, स्थौल्य है ये, क्रॉनिक डिसीज है ये, और कृत साध्य असाध्य होती है। पूर्व रूप क्या होता है, इसमें मेद का संचय हो जाता है, विशेष रूप से उदर प्रदेश पर। इसके अतिरिक्त आलस्य, स्वेद की अति प्रवृत्ति, वही आलस्य भरा पड़ेगा, स्वेद इतनी ज्यादा होएगी, श्रम बिल्कुल नहीं करना, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, तो ये सारे क्या है, पूर्व रूप है। अब आते हैं सामान्य रूप क्या है। देखो जब मेद धातु का इकट्ठा हो जाता है तो सारी चेष्टाएं करने में वो असमर्थ हो जाता है, ठीक है। क्षीण धातु की क्षीणता हो जाती है, शेष धातु की क्षीणता हो जाती है, और चरक ने मेदो वह रोग 8 प्रकार के दोष उत्पन्न होना विकार बताए हैं। इसमें आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ना मेदो रोग के 8 लक्षण बताए हैं चरक जी ने, ये आपको 8 के 8 पता होने चाहिए, इसमें से यही क्वेश्चन बनता है मेन। पहला आता है आयु का ह्रास होना। अगर कोई बंदा मोटा है तो क्या होएगा, आयु कम हो जाएगी। दूसरी बात, जरा शीघ्रता से आएगी, आयु क्यों कम हुई है उसकी, बुढ़ापा जल्दी आ गया। तीसरी बात, कठिनाई से कृच व्यवायता, उसकी सेक्सुअल जो पोटेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, उसमें उसको डिफिकल्टी होगी, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा ऐसी स्टोरी बनाओ, थोड़ी सी अजीब सी तो है। देखो कि जो जब कोई बंदा सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उससे क्या होगा, दुर्बल हो,